विभागों का बंटवारा हो चुका है। चोकन साहू को शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ अब जिम्मेदारी संभालेंगे और केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री बनने वाले सातवें सांसद बने हैं चोकन साहू। तो वहीं पहली बार ही लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बने हैं, बेहद साधारण और किस परिवार से आते हैं चोकन साहू, तो 1,64,000 मतों से देवेंद्र यादव को हराया था उन्होंने और साहू ने 5 से संसद तक का सफर तय किया है। तो लोरमी के छोटे से गांव सूरजपुर से 1994 में पंचपद से राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की और 2013 में लोरमी विधानसभा से विधायक निर्वाचित किए गए थे। तो बड़ी जिम्मेदारी अब मोदी सरकार 3.0 में दी गई है। चोकन साहू के सियासी सफर के बारे में हमने आपको बताया, 1994 में निर्विरोध पंच बने थे और लोरमी ब्लॉक के सूरजपुरा गांव के पंच बने थे। तो 30 जनवरी 2005 को जनपद के सदस्य भी चुने गए थे। चोकन साहू का सियासी सफर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोरमी क्षेत्र क्रमांक 18 फुलवारी कला से जनपद सदस्य बने और 2012 में जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के प्रतिनिधि भी बने, प्रतिनिधित्व करते नजर आए, तो जिला साहू समाज के संरक्षण बने। चोकन साहू का सियासी सफर कुछ इस प्रकार से रहा है। बीजेपी पश्चिम मंडल के महामंत्री भी चोकन साहू बने थे। तो साथ ही 2013 में लोरमी विधानसभा से बीजेपी ने टिकट दिया था और अब बड़ी जिम्मेदारी मोदी सरकार 3.0 में चोकन साहू को मिली है। धर्मजीत सिंह को चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी और कांग्रेस के प्रत्याशी और सिटिंग विधायक भी। साथ ही 2018 में बीजेपी ने लोरमी विधानसभा से फिर से प्रत्याशी बनाया।